जनवरी 2020 में ताइवान के चीफ ऑफ आर्मी जनरल शेन यिमिंग, उनका हेलीकॉप्टर एक दुर्घटना का शिकार होता है, पहाड़ी इलाके में होता है और उन समेत 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। उनका भी हेलीकॉप्टर एक एडवांस्ड हेलीकॉप्टर था, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, जो कि क्रैश हो गया। इसका कारण था हेलीकॉप्टर का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और एयर सिस्टम फेल हो जाना और उस पर साइबर अटैक हुआ था, जो कि चाइना ने किया था। चाइना और ताइवान के संबंध कैसे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है और ये कोई पहली घटना भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2020 में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने एक बुक पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि साइबर थ्रेट हैंडबुक के जरिए साइबर अटैकर्स जो हैं, उनके निशाने पर पूरा एरोस्पेस है। 2019 में यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हेलीकॉप्टर पायलट्स को अलर्ट किया कि इंटरनल सिस्टम पर साइबर अटैकर्स अटैक कर सकते हैं और आपके सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं। 2017 में यूएस की अटलांटिक सिटी में बोइंग 757 विमान के सिस्टम कंट्रोल को हैक किया गया। यह हैक कराया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में। भारत के पड़ोसी कैसे हैं और वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और हैकिंग के मामले में चाइना पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताइवान के अंदर जनरल शेन यिमिंग, जो कि आर्मी चीफ थे, उनके साथ 8 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उनके हेलीकॉप्टर को हैक कराया था। यानी कि पायलट्स के पास जो मीटर्स हैं, जो डायरेक्शन है, जो कंपास है, सबकी गलत जानकारी। उसके बाद जहां वो चाहेंगे हेलीकॉप्टर वहां जाएगा और जिस एंगल पर वो चाहेंगे उस एंगल पर वो दुर्घटना का शिकार कर उसे कोई भी एंगल दे सकते हैं। क्या वाकई उनका हेलीकॉप्टर किसी हमले का शिकार हुआ, किसी साइबर अटैक का शिकार हुआ, यानी कि साइबर अटैकर्स ने बिना हेलीकॉप्टर के अंदर प्रवेश किए पूरे हेलीकॉप्टर को ही दुर्घटनाग्रस्त करवा दिया। इस एंगल पर भी जरूर जांच होनी चाहिए, इस बात को भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का नुकसान जो हुआ है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के इस बलिदान से, वो बहुत बड़ी क्षति है पूरे भारत को, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी को और पूरे आर्मी स्टाफ को।